हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिस ब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल डेली चार्ट मैंने लिया, तो यहां पे क्रूड ऑयल ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया जो मैंने पहले बताया था। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट शोल्डर ये है और ये राइट शोल्डर। तो यहाँ पे हमें एक नेकलाइन मिला, तो जो मैंने ड्रॉ किया एक नेकलाइन, आप देख सकते हैं ये नेकलाइन। तो ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, राइट। तो मुझे लगता है अगर ये 4142 इसको ब्रेकआउट कर दिया और नेकलाइन कम्प्लीटली ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट इसका बाद कंटिन्यूअस रैली होना, मतलब ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने कल वीडियो में आपको बताया था, तो आई थिंक यू रिमेम्बर दिस वन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट चार्ट में, जैसे कल आप मार्केट जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे कल आप देख सकते हैं कल गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। तो मैंने आपको बताया था मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेंगे, जो गैप अप ओपन हुआ था और जो गैप थ्योरी अकॉर्डिंग टू गैप थ्योरी इसको फिल अप करके मार्केट फिर से ऊपर गया। तो मेरा जैसे टारगेट आपको दिया था आप मार्केट अराउंड 4146 तक जाने का चांसेस था, यहाँ से आपको 4000 में मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो अभी मार्केट 200 मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो मुझे लगता है फिर से मार्केट ये 150 नहीं तो 200 मूविंग एवरेज का आसपास आ सकता है। तो यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर मिले ये 4040 या 4050 का आसपास, जैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मिले तो आप यहाँ से फिर से एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो टारगेट रहेगा 4150 के आसपास, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।